प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में हाउडी मोदी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में थे। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के बारे में हाल ही में वायरल होने वाली कुछ खबरों की, तो ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो काफी वायरल हुई थी काफी समय पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अक्सर ही कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल होती है जो कई बार फेक होती है, तो कई बार गलत एंगल से ली गई तस्वीरें होती है, तो कई बार गलत जगह की तस्वीरें होती है और अनजाने और जाने अनजाने में सोशल मीडिया पर उन्हें कई बार लोगों के बीच ट्रॉल होना पड़ता है। खैर, प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये खबर काफी समय तक वायरल हुई थी कि मेकअप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पर एक महीने में 80 लाख रुपए खर्च करते हैं। आज हम आपको इसी सच से रूबरू कराएंगे। क्या है इस खबर की सच्चाई, ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, पीएम मोदी ने 15 लाख रुपए महीने पर मेकअप आर्टिस्ट रखी है, ऐसी भी आपने तमाम बातें सुनी होगी। लेकिन ये सारी बातें एक ही खबर से जुड़ी हुई है, वो है एक पोस्ट से जुड़ी हुई जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आयोजन चलाने वाले सोशल मीडिया पर एक पेज के जरिए वायरल किया गया। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं जिसमें एक में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है हमारे वो कुर्सी पर बैठे हैं और एक तरफ फूलों का गुलदस्ता है, दूसरी तरफ महिला है और महिला के हाथ में बॉक्स है। ऐसा कहा जा रहा है कि मेकअप करा रहे हैं वो, लेकिन मेकअप बॉक्स जैसा दिखने वाला वो फोटो में अलग कुछ है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। तब की बात है ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और फेसबुक पर एक फैन पेज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्हें मजाक का पात्र बनाया गया था और कुछ बातें लिखी गई थी जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। मैसेज में उन्हें ऐसा कहा गया था कि वो रोने के लिए नाटक करते हैं। खैर, इसके बारे में जो तमाम तस्वीरें वायरल की गई थी इसकी सच्चाई आपको बता दें, ये दरअसल कांग्रेस लाओ देश बचाओ नाम से बने फेसबुक पेज की बात है जिसमें 4000 लोगों ने पोस्ट शेयर किया था इसे, और इसकी सच्चाई कुछ और थी। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देश भर में इस पोस्ट को शेयर किया गया ताकि उनके लोग विरोध हो। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।